अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया कि एक मिनट पी को हम इस तरह से बाइंडिंग टूल कॉन्फ लगा के हम बाइंडिंग टू फॉन्ट लगा के हम इसको पी को इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, टिक के निशान में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट एक छोटी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि जो टिक का निशान है ये आपका फॉन्ट से हुआ है और फॉन्ट जो है एक्सेल का पार्ट नहीं है, फॉन्ट जो है आपका विंडोज का पार्ट है। अब ऐसी पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि किसी फॉन्ट के अंदर में, किसी भी फॉन्ट के अंदर में आपको किसी कंप्यूटर के अंदर में फॉन्ट मिले ही नहीं, कोई ऐसा विंडो का वर्जन है जिसमें फॉन्ट है ही नहीं, है तो किसी ने अनइंस्टॉल कर दिया है या आपके उस वर्जन में था ही, व्हाटएवर कुछ प्रॉब्लम है, तो कैसे करें। तो ये चीजें मैंने बहुत पहले की थी, आई थिंक मैंने जब मेरा फर्स्ट या सेकेंड जॉब था उसमें किया था, तो मैंने क्या किया था, टैप्स में जे को लिखा था, ठीक है। और हमारे पास एक अलाइनमेंट पे जब जाते हैं फॉर्मेट सेल के, तो यहाँ रोटेशन होता है कि किसी भी वर्ड को, सेल वैल्यू को किसी एंगल पे आप रोटेट कर सकते हैं। तो मैंने इसको -45 डिग्री से को सिलेक्ट कर लिया, तो मेरा जो जे है, जे है -45 डिग्री पे चेंज हो जाएगा, जो कि बिल्कुल इसी की तरह फील करेगा। और क्रॉस के लिए तो हमारे पास एक्स आई नजर, ये कहां से किया, मतलब जे में जाके जे लिख के, आप ध्यान से देखिए सर, अगर ध्यान से नहीं देख रहे हैं, मैंने बोला कि हमने जे को लिखा, अलाइनमेंट में गए, कहां गए, अलाइनमेंट दिख रहा है सर, अच्छा अलाइनमेंट में ओरिएंटेशन होता है, ओके। और यहां पे अपना डिग्री, अब मैंने तो लिख भी सकते हो कि -45 या यहां सेलेक्ट भी कर सकते हैं, क्लियर है, अब समझ में आ गया आपको सर। अब इसमें अगला ऑप्शन है कि क्या ये जो ट्रिक मैंने बताया है इसका यही इस्तेमाल है या और भी इस्तेमाल हो सकता है, इसका और भी बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैं एक अटेंडेंस बना रहा हूं, एक सिंपल सा मैं आपके सामने एक अटेंडेंस का डेटा तैयार कर रहा हूं, मान लीजिए कि मुझे अक्टूबर कहीं बनाना है, तो अक्टूबर की अटेंडेंस हमने यहां से तैयार कर ली, ठीक है। और इस पे हमने पी था, हमने पी डाल दिया, ऐसी डमी बना दे रहा हूं। इससे इसमें एक चीज खाली पूछना था, आपने वो पूजा को, पूजा जो अपने नाम लिखा, उसके बाद आपने ड्रैग किया तो बाकी दूसरा अलग अलग नाम कैसे आ गया। एक चीज लग रहा है आप पीछे की चीजें प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, हमने आपको जो है ये चीजें एक्सेल ऑप्शन की क्लासेस में बताई थी ना सर, कि एडवांस के अंदर हमारे पास कस्टम लिस्ट होते हैं, इस लिस्ट में मैंने ऐड किया हुआ था। ओह अच्छा, इस तरह से भूलेंगे तो काम नहीं चलेगा सर। नहीं नहीं जी, मतलब ये मैं रिलेट नहीं कर पा रहा था इसमें, तो ये हमारे पास बन गया। अब इसकी छोटी सी प्रॉब्लम है कि मैं इसकी प्रिंट निकालना चाहता हूं, तो मैं इसको प्रिंट पे जाता हूं तो मुझे इसका प्रीव्यू दिख रहा है, तो मैं प्रीव्यू देख पा रहा हूं यहां पे कि आपका 7 अक्टूबर इस तरह से दिख रहा है। चलो मैंने एक काम किया, मैंने अपना जो पेज है लेटर के जगह पे मैंने इसको A4 कर दिया, मार्जिन चलो मैंने यहां पे नैरो कर दी ताकि कम मार्जिन हो, और इसको मैं पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन जो पोर्ट्रेट है उसको हम इसको लैंडस्केप कर देते हैं, फिर भी आपका 12 अक्टूबर से ज्यादा नहीं आ रहा। अब मैं इसकी पेज की साइज का इंप्रूवमेंट, जो लिखा हुआ टेक्स्ट है इसकी स्केल है, अब इसकी स्केल को कम करना पड़ेगा, दिख रहा है सर आपको, फिट टू 1 पेज करूंगा तो क्या होगा कि छोटा हो जाएगा, अब ये रीडेबल नहीं है ना, तो मैं इसकी जो प्रिंटिंग साइज को छोटा नहीं करना चाहता हूं, मैं ऐसा साइज चाहता हूं जिसमें जिससे मेरा प्रिंटिंग साइज भी सेम रहे ताकि मैं उसको इजिली पढ़ सकूं, हमें लेंस लगाने की जरूरत ना पड़े और मेरा एक पेज भी प्रिंट हो जाए। तो आप देखें अपने डेटा को, तो इसमें आपका डेटा का सिर्फ हेडिंग बड़ा है ना सर, क्या सर, बाकी जो डेटा तो आपका छोटा ही है ना,
तो अगर हेडिंग को किसी तरह से मतलब कि एडजस्ट किया जाए तो हम कॉलम को छोटा कर सकते, इतना छोटा कर सकते हैं ना, तो छोटे छोटे कॉलम होंगे तो फिर विजुअल होगा। तो इसके इस केस में हम अपना अलाइनमेंट में रोटेशन का इस्तेमाल करेंगे। हम इसको सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, और मैंने इसको यहां पे फॉर्मेट सेल यहां पे अलाइनमेंट पे जाकर भी माइनस डिग्री पे 90 डिग्री पे चेंज कर सकते हैं, या फिर यहां भी होता है सर रोटेशन, दिख रहा है सर ये, देखिए सर ध्यान से, इस पे भी जाके आप जो है मैंने क्या किया इसको रोटेट अप, टेक्स्ट अप को सिलेक्ट कर लिया, तो डेट जो है कुछ इस तरह से होगा। अब मैं पूरे सीट को सिलेक्ट किया और किसी भी कॉलम के जो बॉर्डर है, ध्यान से देखिएगा, किसी भी कॉलम के जो बॉर्डर है उस पर कर्सर जब इस तरह का बन जाता है तो बस डबल क्लिक कर दीजिए, ये आपका ऑटो फिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑटो फिट, जस्ट डबल क्लिक करने पे। अब प्रिंट में देखिए कि आपका पूरा 31 अक्टूबर तक का प्रिंट आ रहा है और हमने टेक्स्ट की साइज को भी कम नहीं किया है। ओके सर, तो ये चीजें आप इस्तेमाल कर सकते हैं।